सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। इक्विलिब्रियम इन बीओपी। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जब दोनों ही बराबर हों, क्या हो, दोनों बराबर हों, यानी जितनी हमें फॉरेन करेंसी मिल रही है हम उतनी ही इंडियन करेंसी भी इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा सरप्लस की सिचुएशन है, हमारी शॉर्टेज की, ठीक है। ना तो हमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, यानी कि ना तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम दोनों ही इक्वल कर रहे हैं, दोनों ही इक्वल कर रहे हैं, तो दैट इज इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। यहाँ पर हमारा जो है डिमांड कर्व इक्वल है, तो दैट इज इक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट मूव्स अगेंस्ट आ कंट्री, एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड बाई इंकरेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट बाई डिस्करेजिंग इम्पोर्ट ऑफ ऑल काइंड्स, ठीक है। जहाँ पर हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट को करते हैं कि इंकरेज करते हैं कि एक्सपोर्ट हो और डिस्करेज करते हैं हमारे इम्पोर्टर्स को, ठीक है। ये था हमारा इक्विलिब्रियम। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, हमारे ब्लॉगर पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।